मुझे ये कहना है कि स्टार्स के साथ फिल्में बनती हैं और जितनी भी फिल्में बनी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, मगर मैंने बैंडिट शकुंतला में रियल बैंडिट से एक्ट कराया, रियल बैंडिट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है शकुंतला जी ने, जो हमारे पास हैं अभी यहाँ पे आई हुई हैं। और इस फिल्म की सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जो डाकू का रोल करने वाली रोल कर रही है, मगर असली ज़िंदगी में भी उन्होंने उनका पास्ट है, उनके स्टोरी पे बेस्ड है ये फिल्म बैंडिट शकुंतला, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी आप लोग देखेंगे, आपको पिक्चर इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, काम बहुत बढ़िया सभी आर्टिस्टों ने किया है। अभिमन्यु सिंह भी हैं इसमें, उन्होंने भी किया, ओंकार दास जी हैं और प्रतिभा जी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यही कहूँगा कि पिक्चर आप देखिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है। बैंडिट क्वीन से ये बहुत अलग ये है कि बैंडिट क्वीन में एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था, उन्होंने बैंडिट का रोल किया था, यहाँ पे वो जो बैंडिट शकुंतला है वो रियल में शकुंतला जो है वो जो रियल डाकू से परफॉर्म कराया है, इसलिए हमारी फिल्म बहुत अलग है। जी बोल्ड ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल में एक दो सीन्स होते हैं जो कि उसके साथ जो अन्याय है वो उसके, वैसा कोई बोल्ड बोल्ड वैसा नहीं है, जो परफॉर्मेंस होती है जो सीन की डिमांड है उस हिसाब से हमने रखा है। पिक्चर बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत मुश्किल था रियल, ये रिस्क लेना जल्दी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेता है कि नए आर्टिस्ट के साथ काम करे, वो भी रियल रोल के लिए रियल आर्टिस्ट हो, वो उसको ट्रेंड करना, और उनको बॉम्बे ला के हमने ट्रेंड किया, स्पेशल एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, और जो परफॉर्म उन्होंने किया है वो कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये कोई आर्टिस्ट नहीं है, कहते हैं ना भाई नॉन आर्टिस्ट है कैसे परफॉर्म करेगा, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अच्छा अभिनय किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ये एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। हाँ जहाँ घटी थी घटना वहाँ तो हम नहीं गए, मगर हम बिहार का बैकग्राउंड है तो बिहार में हमारी फिल्म सिटी खुद की है, तो वो फिल्म सिटी में ही हमने शूट किया, और बिहार में लोकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो अलग बात है कि बिहार के लोग शूटिंग अभी यूपी में करते हैं, मैं यही कहूँगा कि वो लोग बिहार में देखे, बिहार में अच्छे लोकेशंस हैं, और हमने बराबर की पहाड़ी है वहाँ पे शूट किया, और जहानाबाद के लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं जो हमने शूट किए वहाँ पे। नहीं नाम तो हम सोच के रखते हैं, पिक्चर बाद में बनाते हैं, उसका टाइटल हमारा बहुत अच्छा होता है बैंडिट शकुंतला, वो टाइटल हम नहीं रखा, तो सोच के रखते मैसेज, जो रियल लाइफ पे कहानी है तो उसके क्या मैसेज, जो उसके साथ घटना घटी, उस कोई भी आदमी अगर गलत बंदूक उठाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो डाकू बनने के लिए उठाता है, जब अन्याय होता है तो हथियार उठाते हैं लोग, तो अन्याय नहीं हो यही हम कहेंगे, और उसके बाद उसने हथियार रखा तो आज अच्छा काम कर रही है, आज उसको वो सोशल वर्क कर रही है, तो ये अच्छी बात है, अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, मैसेज अच्छा है। अभिमन्यु सिंह जी हैं, प्रतिभा जी हैं, ओंकार दास जी हैं, ये जो हमारे सीजन बड़े एक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग में, और छोटा मोटा रोल मैंने भी किया है, और पिक्चर बहुत बढ़िया है। थैंक यू। बैंडिट शकुंतला देखिए, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी है, फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैंने अभी अभी ट्रेलर देखा है, यूट्यूब पर रिलीज़ हो चुका है, और मुझे बहुत कन्विंसिंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा है, आउटस्टैंडिंग लगा है, उसका कलर और वो बिल्कुल मटियाले कलर यूज़ किए हैं पूरे उसने, और बहुत जैसे बैंडिट क्वीन का ट्रेलर या फिल्म देखते हो जिस तरीके का एक इम्पैक्ट पड़ता था, उस तरीके के ही इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मैं समझ सक रहा हूँ उतना बजट नहीं होगा, वैसे वाले एक्टर नहीं होंगे, स्टार नहीं होंगे, लेकिन इसमें शिद्दत की, पैशन की कोई कमी नहीं है, मैंने जितना देखा है। ओंकार ये इन्होंने बैंडिट की माँ का रोल किया, शकुंतला का, शकुंतला की माँ का, और इन्होंने इनके देवर का, ओंकार ने, तो ये एक अभिमन्यु एक्टर हैं जो नहीं आ पाए, वो बाद में किसी शूटिंग में बिजी हैं शायद, मेरे ख्याल से राजकुमार संतोषी की शूटिंग चल रही है उनकी। आपके किरदार की बात करें, शर्मा जी, किस तरह किरदार आपका? मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी की वजह से आया हूं और इनकी वजह से आया हूं। ये हमारे नेक्स्ट सीरीज में है, मैं बाद में कभी करूंगा, हमारा इसमें जो रोल है जो अभिमन्यु वाला वो मैं कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया किसी तरीके से, तो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक दोस्त के नाते, एक परिवार की तरह है मेरा ये फैमिली, और शकुंतला जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी जी जान लगाई है, मेरे बीच में सारे चीज़ें मालूम पड़ती थी इनकी इस प्रतिभा के थ्रू। तो मुझे लगता है कि हमको एक ऐसी आर्टिस्ट की या एक ऐसी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस तरीके की जी है। और मुझे नहीं पता परफॉर्मेंस कैसा है क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसने अपना कलेजा निकाल के तो ज़रूर रख दिया होगा, क्योंकि हर चीज़ उसके साथ एक्चुअल में घटी हुई है। तो ये अपने आप में हम एक्टरों के लिए बड़ी मुसीबत रहती है या कई बार कठिन कार्य रहता है कि ऐसी सिचुएशन है तो हम किसको इमेजिन करें, क्या करें। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी घटा नहीं। अब सुंदर यादव जैसा तो रोल गंगा जल में जो मैं क्यों मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं, तो ऐसे कैसे करें। लेकिन शकुंतला जी के साथ एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो ज़िंदगी में जिया, जो झेला, जो मुसीबतें आई, जो कठिनताएं आई, जो ह्यूमिलिएशन हुआ, जिस तरीके का भी हुआ, उन्होंने एज इट इज़ पर्दे के सामने, इनकी वजह से, क्योंकि वो नॉन एक्टर हैं तो इन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया, सिखाया। तो मुझे लगता है कि वी शुड सैल्यूट हर एंड वी शुड सैल्यूट दिस जेस्चर जो इस पे कहानी पे फिल्म बनाने के लिए। एंड माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड योर टीम। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, शर्मा जी से क्या क्या टिप्स मिली आपको? टिप्स तो हाँ, ये खुद एनएसडी से पास आउट है, मैं इनसे टिप्स लेता हूँ भाई। क्या कहना चाहेंगे, काम करके आप कैसा? दोनों महान कलाकार है। नहीं, कलाकार हैं हम लोग, महान तो पता नहीं। एक्चुअली बहुत सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, एज अ फैमिली की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया। और काम तो एक्टर अपना बहुत ईमानदारी से हर एक्टर करता ही है, और उसको एक बस मतलब प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, जो डायरेक्टर का अपना एक प्रेजेंस होता है और जो गाइड करता रहता है वक्त वक्त पर, जो हमें कहीं कमी नहीं खली, और किसी भी चीज़ की हमें कभी वहाँ पे कमी खली ही नहीं। बहुत अच्छा रहा माहौल भी और बहुत अच्छा रहा सारा शूट भी, तो बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ मैं तो। मेरा रोल भी काफ़ी बड़ा था उसमें। मैं शकुंतला जी की माँ का रोल कर रही थी, और वो पूरा पैरेलल रोल, बहुत अच्छा रोल था उसमें, मेजर रोल था, और इन्होंने उसको पूरी तरीके से दिखाया है स्क्रीन पे। बहुत बहुत अच्छा अभिनय भी हुआ है, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा बना है। जिसने भी परफॉर्म किया, कोई वो नहीं था कि बस एक्ट करो भाई, शूटिंग करके जाना। एक महीना हम लोग वहाँ रहे परिवार की तरह। जब माहौल वैसा बनता है तो आर्टिस्ट के अंदर से जो कला है वो और उभर के आती है। वो प्रतिभा जी ने जो किया वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। वो तो आप लोग ही बताएंगे, वो तो हम कैसे बताएंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे, आपका किरदार किस तरह का, इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस? मैं इस फिल्म में वंडेड शकुंतला की चाचा का रोल है, लखन महतो, और प्रतिभा भाभी जो है उसमें खुद भाभी की रोल की है। और मेरा करेक्टर ऐसा है उसमें कि मैं एक तरीका से उनके खिलाफ हूँ, एक ज़मीन को लेकर, इस टाइप का मेरा करेक्टर है। लेकिन मुझे इस फिल्म में जब हैदर जी से बात हुआ था मेरा, इन्होंने जब स्क्रिप्ट दिया तो मेरा फिल्म और कहीं चल रहा था, उस समय रांची में था, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था। एक दिन टाइम मिला मुझे और सारे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं खुद मेरे आंख से आंसू आ गया कि यार इस तरीका से, मतलब कैसे एक फैमिली कैसे अपने फैमिली के लिए कितना ऐसा कर सकता है। तो जो रियल घटना था वो मैंने देखा, और उसके बाद में जब मैं सेट पे गया तो शकुंतला जी से मिला मैंने, और उनसे मैंने यही कहा कि आपके स्टोरी सुन के मुझे बहुत दुख लगा और मैंने रोया है। तो उसने एक ही बात कहा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सारी ज़िंदगी तो मैं डाकुओं के बीच में रहा है, और जो जिल्लतें झेली है वहाँ पे, जो मेरे साथ में हुआ है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं भगवानों के बीच में बैठा हुआ हूँ। क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? अब मैसेज के बाद देखिए, अभी का माहौल अलग है, उस समय के माहौल अलग था। तो मैसेज यही है कि एक लेडीज़ के रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे बेटी हो, बहन हो,
या भाई के बेटी हो या उसके बेटी हो या किसी और का बेटी हो, तो हम बड़े आदमी हैं, ठाकुर हैं, या हमारे पास में करोड़ों अरबों का धन है, तो कि किसी की बेटी को, किसी के बहू को या कि किसी भी लेडीज़ को हम एकदम नीचे दबा के, उस फैमिली को नीचे दबा के उसका कचड़ा ना करें, ये संदेश देना चाहिए। जी आज महिला दिवस, वो मैं पहले बोल दूँ एक शब्द शकुंतला जी के लिए, एक मिनट शकुंतला रुकिए, आज महिला दिवस है, आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है बैंडिट शकुंतला का, और ये नारी प्रधान फिल्म है, नारी की जो दर्द होता है, अब वो डाकू बन गई, अरे उसे कितना टॉर्चर मिला है, तो कहा आप लोगों ने, किसी ने बोला ना क्या सब मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो हमें कहना नारी का सम्मान, नारी के सम्मान से रिलेटेड है ये सिनेमा और ये फिल्म, और उसके लिए आज महिला दिवस पे इसका ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और मैं शकुंतला जी से अब कहूँगा आप आ सकते हैं। शकुंतला जी, आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, आज जो जो पहले पर्दे पे पूरा देश देखेगा, आपकी जो घटनाएं घटी थी निजी जिंदगी में, वो पर्दे पे आ रहा है, तो कितना आप इसको लेकर के एक्साइटेड? सबसे मैं पहले आप लोगों के माध्यम से मैं देशवासी को प्रणाम करती हूँ, और मेरा जीवन में जो घटना घटी, मैं तो यही कहूँगी भगवान से, मैं प्रार्थना करूँगी कि जो घटना शकुंतला के जीवन में घटी है वो किसी लड़की के साथ ना घटे, किसी महिला के साथ ना घटे, और मैं इस चैनल के माध्यम से, मीडिया वाले के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसको कम से कम अपने आप में सोचना चाहिए कि हर घर में बेटी है, बहन है, जैसे अपनी बेटी है, बहन है, वैसे दूसरों को बेटी को भी इज्जत देना चाहिए, और दूसरा शकुंतला पैदा नहीं हो जो मेरे साथ घटना घटी है, किसी शकुंतला के साथ में ना घटे। और मैं नारी जाति को ये कहना चाहती हूँ कि हर घर में बहू है, बेटी है, बहन है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हिम्मत से रहें और गलत ना करें, गलत अगर उनके साथ कोई करता है तो डट के मुकाबला करें, और बंदूक उठाना सारा समस्या का समाधान नहीं है, कि बंदूक उठाऊंगी तो ही समस्या का समाधान होगा, अभी तो बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले के माध्यम से, पेपर पत्रिका चैनल वाले के माध्यम से मैसेज दिया जा सकता है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मैसेज दिया जा सकता है, और जो जघन्य अपराध हो रहा है, हुआ है, वो नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ महिला को जो बंदूक ना उठाएं, वो अंतिम उपाय है, जब समाज में उनको न्याय नहीं मिलेगा, सरकार से, प्रशासन से जब उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसके बाद बंदूक उठाना ऑप्शन, लास्ट का ऑप्शन है, और बंदूक उठाना इतना आसान नहीं है। मैंने जब समाज के पास गई, समाज में बस फैसला नहीं मिला, प्रशासन के पास गई, सरकार से भी इसको फैसला नहीं मिला, तो लास्ट में मैं बंदूक उठाई, और मैं बंदूक उठाई तो 16 वर्षों तक मैंने अपराध की दुनिया में रही, और 16 वर्षों तक मैंने जंगल में रही, और जंगल में रहना, पहाड़ों के बीच में रहना, जानवरों के बीच में रहना हमेशा डर से भरा रहता है ज़िंदगी, कभी रहता है पुलिस का डर, कभी रहता है दुश्मन का डर, कभी रहता है सांप का डर, कभी रहता है बाघ का डर, कभी रहता है इज्जत का डर, कभी रहता है अपनी जान का डर, कभी रहता है परिवार का चिंता, कब कौन घटना घटेगा हमारे साथ उसका कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, तो इसीलिए डाकू बनना और डाकू के जीवन में, जैसे कि अभी तो फिल्मी दुनिया में दारू पीना, मांस खाना, फिल्मी दुनिया में, फिल्म में तो देखने को मिलता है, लेकिन जो असली डाकू का जीवन होता है ना, ही उसमें नाच तमाशा देखने को मिलता है, ना ही दारू मांस मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कितने दिन भूखे रहना पड़ता है, हम लोग तो चना रखते थे, चना भुजवा को रखते थे, नमक रखते थे, थोड़ा बोतल में पानी, मतलब दो फक्का इतना फाँके और दो बूंद पानी ऐसे पीते थे कि मतलब पानी को, एक बोतल पानी को ही बचा के रखना है कि एक सप्ताह और 10 दिन 15 दिन मिलेगा पानी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल से निकलेंगे तो पुलिस देखेंगे, कोई खुफिया देख लेगा, कोई बोलेंगे पुलिस के पास में कि फलाने जगह इन लोगों को देखे हैं, तो मारिए देगा, दुश्मन ही मारेगा या पुलिस ही मार देंगे, तो इस डर से, इस तरह से हम लोग जीवन बिताते थे। जब कभी जंगल में रहते थे तो पेड़ के पास बैठे हुए, बारिश हो रही है, पेड़ के पास बैठे हुए बारिश में भींग रहे हैं,
और बंदूक को ऐसे अपने गमछे में लपेटे हुए हैं, गोली को पलोथिंग में रखते थे, उसको बांध के भींग जाएगी तो गोली फिर फूटेगा नहीं, चलेगा नहीं, ये सब रखते थे। तो बहुत दर्द भरा जिंदगी हमने गुजारे हैं लड़की के साथ घटना नगर। आपकी क्या कहानी है जो आपने फिल्म में दिखाई है? फिल्म के लिए हैदर कादरी साहब ने जो फिल्म में करवाया है, क्या अत्याचार हुआ आपको परेश भाई? सर मैं अति पिछड़ी जाति से आती हूँ और नुनिया समाज से मैं आती हूँ। तो मैं तीन बहन थी और मेरा भाई नहीं था, और मेरा जो चचा जी थे वही जमीन संपत्ति हथियाने के चलते मेरे पिताजी को हत्या कर दिए। और मेरे साथ मैं 5 क्लास से पढ़ रही थी और 5 क्लास से 6 क्लास बना के 7 क्लास में नाम लिखाए थे वो एक हत्था में। वहाँ मैं स्कूल पढ़ने जा रही थी, पढ़ के लौट रही थी तो मुझे रास्ते में पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मुझे बलात्कार किया, अपहरण कर लिया गया। और जब मैं मम्मी पापा को बोली तो वो गए मुखिया जी के यहाँ, चौकीदार दफदार होता है गांव में, उनके पास गए, कुछ नहीं हुआ और कहा ये झूठे कह रही है, झूठे फंसा रही है। उस टाइम अपन फिल्मों में देखेंगे ना, उस टाइम तो मतलब गरीब लोग का कोई सुनता ही नहीं था, पूरी कहानी मत बोलो। तो इसीलिए ये सब हुआ और उसके बाद जो है सो जितना घटना घटी उसके बाद कहीं नहीं हुआ, केस उस हुआ, थाना पर गए, वो भी गाली उली देने लगे, दरोगा जी भगा दिए वहाँ से, केस उसने लिए। उसके बाद लास्ट में डाकू बन गए और डाकू बनने के बाद बस यही कहानी है, जो कहानी है डाकू बन गए बस, आगे मत तो आगे कहानी फिल्म में देखी। फिल्म बना है सर, हाँ तैयारी क्या की, कैसे सीखा एक्टिंग, कैम वो बताइए। जब प्रोड्यूसर साहब कहें कि यहाँ प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं, कहे कि फिल्म बनाएंगे आपके जीवन पे, तो हम तो जानबे नहीं करते थे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हमको बुलाएं और फिर डायरेक्टर साहब से मिलवाएं तो कहा कि जैसे जैसे बात है आपके जीवन पर सिनेमा बनाएंगे, तो हम कहे ठीक है। तो कहा कि फिर बाद में कि आप उसमें एक्टिंग कर दो, तो हम कहे हम कैसे करेंगे एक्टिंग, हम तो नहीं करने आता है हमको। तब तो कहा कि नहीं आप करोगी, हमको बताए बहुत बढ़िया से, समझाए, ट्रेनिंग दिए और कहे कि तुम एक्टिंग करो और बहुत बढ़िया करोगी मेरे बहन। तो मैं एक्टिंग किए हैं तो आप लोगों के सामने में है, जैसा कि आप लोग देखेंगे, बस यही बहुत अच्छा एक्टिंग है। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, बाकी का आपका जो जीवन है, उमूमन देखा जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं घटने के बाद लोग या तो समाज सेवा करते हैं या पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो आगे का आपका जीवन जो बचा है वो किस तरह से आपके जीवन? सर मैं तो समाज की सेवा बचपन से ही चाह रही थी कि करूँगी, अभी भी समाज की सेवा में लगी हुई है और सिनेमा बने हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि लोग दर्शक देखें, उसको पसंद करें। और मैं जैसा एक्टिंग किए हैं पहले बार मैं थी तो जो किए हैं आप लोग के सामने में बहुत बढ़िया किए, और मैं समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा, राजनीति में भी आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं उसके माध्यम से समाज की सेवा करूँगी मैं सर। थैंक यू सर। बैंडिट शकुंतला एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम सबों के लिए, हैदर भाई थे साथ में, पिंटू जी थे, श्रावण जी थे, उपेंद्र कुमार हैं, दो हमारे प्रोड्यूसर्स नहीं आए यहाँ तक, पर सबने मिलके मूवी प्रोड्यूस की है। इसका जो बेस थी ये स्टोरी, ट्रू स्टोरी पर, तो बहुत अच्छा लगा इसका, हम मूवी बनी, मूवी बहुत अच्छी बनी है। और हमने इसको EFM में वर्ल्ड प्रीमियर किया था जहाँ हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, फिर हमने इसको कैन में ले गए, कैन में हमको बहुत अच्छा इसका मिला और इंटरनेशनल बहुत कोलैबोरेशन हुआ है। और ये मूवी अभी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी करेंगे। और मूवी बहुत रस्टिक है, बहुत रॉ है और बहुत जैसी रियल लाइफ मूवी होती है वैसी है। इसका USP है कि जो ओरिजिनल बैंडिट है उन्होंने अपना रोल किया है, साथ में प्रतिभा जी है, साथ में ओमकर दास जी है, अभिमन्यु सिंह है, हैदर काजमी जी का रोल लाजवाब है, अभिमन्यु ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो आई थिंक ये तो आप लोग जब देखोगे तो मूवी के बारे में बताओगे। और इसकी म्यूज़िक जो है डायमेंशन म्यूज़िक पर है, तो हम इसका प्रमोशन शुरू करने वाले हैं और बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया प्रमोशन शुरू होगा। आई थिंक एवरीबॉडी शुड सी द मूवी। अरे जी देखिए, ये फिल्म लाइन का तो हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन कुछ देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये पिक्चर की शुरुआत पिंटू जी ने की, इनकी हिम्मत नहीं होती तो ये पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। ये हमें मिलाने वाले कुछ व्यक्ति थे जो इनको पूरा लेकर घुमाते थे पटना मुंबई जहाँ तहाँ। तो पटना में एक आदमी हमको इनसे मीटिंग कराए, बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, वो पूरा दुख
पूरा कहानी अपना सुनाएं, उस कहानी को हम लेकर कहेंगे ठीक है आप हिम्मत करते हैं तो हम लगाते हैं, तो हम इस दुनिया के बादशाह नहीं हैं, उस दुनिया का हम जीरो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जगह रहता है तो आदमी हिम्मत करके बाकी हैदर जी मिले, सबका सपोर्ट सहयोग, आप लोग का मीडिया भाई का सहयोग बन गया, अब आगे देखिए। थैंक यू सो मच सर।